बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये शॉकन कंपनी की बनी हुई मशीन में से एक मशीन का टेस्ट हो रहा था, तो हमने कहा चलें आपको दिखा दें। ये CP50 मॉडल है और इसको आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल सी रफ्तार पे चल रही है। जस्ट फर्स्ट स्टार्ट है इसका और टेस्टिंग हो रही है। ये तकरीबन को 20-25 मिनट हुए हैं इसको चलते हुए। ये 5 लीटर का कैन है और तीसरा ये चल रहा है। ये बिल्कुल नॉर्मल रफ्तार है, आपको इसकी रफ़्तार बढ़ा के भी दिखाते हैं और साथ कुछ और मॉडल के बारे में भी बताते हैं। इसमें कैनोला है, सुपर कैनोला, पीली सरसों आम जुबान में कहते हैं इसको। ये रफ्तार है 27 की रफ्तार चल रही है, ये 60 तक जाएगी। अब इसकी रफ्तार बढ़ा के दिखाता हूँ मैं आपको। थोड़ी सी स्टार्टिंग होती है तो ज़रा मुनासिब रफ्तार रखी जाती है, उसके बाद इसकी रूटीन जो होती है वो समझा दी जाती है कस्टमर को। ऑपरेटिंग के दौरान ट्रेनिंग होती है इसकी 10-15 मिनट की। अभी जैसे जैसे रफ्तार बढ़ेगी मिकदार बढ़ेगी, ऑयल की भी वेस्ट की भी। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट मशीन का व्यू दे रहा हूँ मैं आपको। ये सिंगल फेस में तैयार शुदा है और इसमें 3 फेस भी होती है। इसके साथ पड़ी हुई है CP80 मॉडल। ये CP80 मॉडल, ये इसको ज़रा टेस्ट किया हुआ है तो सफाई वगैरह करने वाली है, जस्ट आपके समझने के लिए काफ़ी होगा। ये राउंड अबाउट 600 kg मशीन का वेट होता है इसका और 80 kg पर आर। वैसे तो मटेरियल 100 kg से ऊपर चलता है, लेकिन एक तरतीब होती है हर काम को करने की, रफ्तार बीज के हिसाब से रखी जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारी किस्मों के तेल निकलते हैं। और इसके साथ ये हमारी मशीनों की तैयारी भी चल रही है साथ साथ, वो थोड़ी सी आपको दिखा दें क्योंकि अभी काफ़ी सारी क्वांटिटी में कोई 50 के करीब मशीन हो गई जो फिटिंग में पड़ी हुई हैं, चल रही है साथ साथ। मज़ीद आपको दिखाते हैं इसका मशीन का व्यू। ये CP7 पड़ी हुई है, जैसे जैसे फाइनल हुए जाती हैं उसी उसी तरह पैक होती जाती हैं। असल में प्रोडक्शन काफ़ी करनी पड़ती है हमें, तो गैराज में भी आप देख सकते हैं ये बाहर का गेट है, यहाँ तक का माहौल। इसके अलावा जो तैयारशुदा मशीन है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, कुछ पैक हुई पड़ी हुई हैं वो दूसरे पोर्शन में है। क्योंकि ज़ोरों शोर से चालू है काम अल्हम्दुलिल्लाह और ये चलता ही रहता है। इधर भी हालत ख़राब है, सफाइयाँ करने वाली हैं और आप देखें ये मुख्तलिफ मशीन इधर भी पड़ी हुई हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं टेस्टिंग के बाद, और कुछ पैक हो के जा चुकी हैं और साथ साथ ये सारी तैयारी चलती रहती है। ये 30 मॉडल हो गए, इसके साथ ये 12S, ये भी 12, ये तकरीबन ही 12 पड़े हुए हैं सारे, जो कि अभी साथ साथ 2-3 दिन में इनकी डिलीवरी होने वाली है। CP7 कंप्लीट, CP7 की मकदार ज़्यादा होती है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखी जा सकती, वो साथ साथ पैक करके साइड पर रखनी पड़ती है।
तो ये आपको मैंने कहा कंप्लीट व्यू आज दे देते हैं इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे आपको डिटेल देते जाएंगे। असल में हम वीडियोस में ज़्यादा डिटेल तफसील से नहीं दे पाते काम की मसरूफियत के हिसाब से, अपने काम में बिज़ी इस तरह से होते हैं। वो कस्टमर के एतराज़ात आए, बहुत सारे भाइयों ने कहा कि आप वीडियो में कुछ नहीं दिखाते देते बताते नहीं हैं, जस्ट आप वीडियो बना के लगा देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि तफसील काफ़ी होती है, फिर वो हमें बतानी पड़ती है डायरेक्टली कस्टमर को, जो नेचुरल होता है वो दिखा देते हैं। तो आज मैंने सोचा कुछ ना कुछ इसमें बता दें, कुछ आइडिया हो जाए। ये तकरीबन कोई आधे घंटे के अंदर ये मटेरियल तो सारा निकाल दिया है, लेकिन ये दोबारा प्रोसेस में जाएगा। ये होती है फर्स्ट टेस्टिंग, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि ये वाली मशीन है ये देखें बिल्कुल चल रही है और इसमें ये बिल्कुल फ़ाइनल है, ऐसा नहीं है। ये फ़ाइनल होता है, फर्स्ट टेस्ट में नहीं है, बस इसका थोड़े से काम के बाद होता है, क्योंकि मैं अपने कस्टमर से झूठ नहीं बोलता, सीधी सीधी बात बताता हूँ हर तरह से। अभी देखें ये नरम है, इसमें कुछ ऑयल है, फर्स्ट स्टार्टअप में ऐसा होता है। बाकी इसकी बहुत सारी तफसील होती है, कस्टमर आते हैं हम उनको हर तरह से गाइड कर देते हैं इसमें। ये सिंगल टाइम में ही एक्सट्रैक्शन होती है 80% चीज़ों की, कुछ माइनर सी होती हैं जिनको डबल प्रोसेस किया जा सकता है। लेकिन मुनासिब रफ्तार में भी सारा मामला चल रहा है, और इंशाल्लाह नाज़रीन मज़ीद तफसीलात जो हैं आस्ता आस्ता वीडियोज़ में आपको आती रहेंगी, वक्त वक्फे से जो ही टाइम बनता रहेगा। तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया देखने के लिए, और मैं इसका लिंक दे दूँ, इसमें दे दूँगा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको, ताकि उससे आपको आसानी रहे हमसे रब्ता करने में। बहुत शुक्रिया।